इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार मुंबई महाराष्ट्र। जय नम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, सम्यक दर्शन के पांचवें अंग पर थोड़ी चर्चा करें। अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है यह, जो चार अंग देखे वे भी अपने आप में महत्वपूर्ण थे, किंतु ये पांचवा अंग, इसे यूं कह सकते हैं यह और इसे आगे आने वाले अंग पर निमित्तक भी होते हैं। जो चार अंग थे वे मात्र स्वाश्रित थे, शेष चार अंग स्व और पर दोनों के निमित्त से ये संभव हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिक्षा, अमूर्ण दृष्टि, ये चार अंग स्व आश्रित थे, अर्थात स्वयं शंका नहीं करना, कांक्षा नहीं करना, विचिक्षा नहीं करना और मूढ़ता व मूर्खता नहीं करना। किंतु आगे की जो चार अंग हैं वे परनिमित्तक भी हैं। किस प्रकार से? तो पांचवा अंग जिसका नाम उपगूहन उपब्रहण दोनों नाम हैं। उपगूहन कहिए तो गूहन माने गोपन छुपाना, उपब्रहण कहिए तो बढ़ाना वृद्धि करना। क्या छुपाना, क्या बढ़ाना, किसको प्रकट करना, यहाँ पर छुपाने की बात है तो दूसरे के दोषों को छुपाना और स्वयं के गुणों को छुपाना। उपब्रहण कहिए तो दूसरे के गुणों को प्रकट करना, वृद्धिंगत करना और अपने दोषों को बड़ा चढ़ा करके देखना। उस दोष को कम मत आंको, छोटा सा दोष भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उस दोष की उपेक्षा की जाती है तो छोटा दोष भी महान अवगुण का कारण बन जाता है। आचार्य भगवान समन्तवत स्वामी जी ने इस उपगूहन अंग के संबंध में इस प्रकार से उसका स्वरूप बताया है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्त जनाश्रियं वाच्यताम इत्प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, ये जिन शासन का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, धर्म का मार्ग, आध्यात्मिकता का मार्ग, आत्मकल्याण का मार्ग, स्वयं शुद्धस्य, ये स्वयं अपने आप में स्वतः ही स्वभाव से शुद्ध है। मार्ग में कोई दोष नहीं है, मार्ग में कोई दोष पहले भी नहीं था, मार्ग आगे भी निर्दोष रहेगा। मार्ग में चलने वाला व्यक्ति यदि लड़खड़ा करके गिर जाता है या मार्ग में चलने वाला व्यक्ति थक करके बैठ जाता है या मार्ग में चलने वाले व्यक्ति की गति असमीचीन होती है तो इससे मार्ग दूषित नहीं होता। वह उसका व्यक्ति का व्यक्तिगत दोष हो सकता है, उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, कोई प्रतिकूलता हो सकती है और उसकी शरीरगत कोई कमजोरी भी। आचार्य महोदय कह रही हैं ये मार्ग स्वयं शुद्ध है और किसी एक व्यक्ति के निमित्त से मार्ग की निंदा नहीं की जा सकती, शासन की निंदा नहीं की जा सकती, क्योंकि वह व्यक्ति अकेला शासन या मार्ग नहीं है, वह उसका एक अंश है।
और उसके व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रतिकूलता होने से दोष संभव है और उसके दोष से पूरा मार्ग दूषित व कलंकित नहीं होता। जैसे किसी एक मेंढक के मर जाने से पूरा समुद्र दोषप्रद नहीं हो जाता, उस निंदा का प्रमार्जन कर दो, उस निंदा को ढांक दो। जो व्यक्ति उस निंदा को ढांकने में, उस निंदा को दूर करने में समर्थ है, तद वदंती उपगुहनम, उसी का वह उपगुहन अंग कहा जाता है जो दूसरे के दोषों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा करके देखता है, न होने पर भी कल्पना करता है, दोषों को बड़ा चढ़ा करके कहता है। निस्संदेह मान लीजिए वह सम्यक दृष्टि नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे कह रहे महाराज जी आप, कोई सम्यक दृष्टि नहीं है? हम नहीं कह रहे। सातवीं शताब्दी में आचार्य रविशेन स्वामी जी हुए, उन्होंने पद्म पुराण के 106 नंबर के पर्व में और 232 और 235 नंबर के श्लोक में स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, दृष्टा सत्योपि दोषो न वाच्यो जिन मताशता उच्चमानेपि चान्येन वार्य सर्वत्र यतनतः। जो व्यक्ति सत्य रूप दोष भी किसी साधर्मी में, साधु में, मुनि महाराज में, उपाध्याय परमिष्टि, आचार्य परमिष्टि में, आर्का माताजी में, अलग जी, छुल्लक जी, त्यागी वती में कोई दोष है, यथार्थ रूप में दोष है, और आज के सुधारवादी डपोर संघ ज्ञानी कहते मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, वे झूठ नहीं बोल रही, किंतु वे जैन धर्म का सत्यानाश कर रहे हैं। आचार्य रविशरण स्वामी कह रहे हैं, सत्योपि, आपने दोष देख लिया है, सत्य है, दृष्टा सत्योपि दोषो, देखा हुआ दोष सत्य है, फिर भी न वाच्य मानो जिन मताशता, जिन मत का जिसने आश्रय लिया है, फिर भी उस दोष को मत कहो। उच्च मानोपि चान्नीन, यदि कोई और व्यक्ति कहता भी है तो बार्यः सर्वत यतनतः, यत्न पूर्व उसका निवारण करना चाहिए। स्वयं तो कहना ही नहीं है, दूसरा भी कह रहा है तो उसको निवारण करो, ऐसा नहीं है। तो क्या हम झूठ बोलें? हाँ, धर्म की शासन की रक्षा करने के लिए तुम झूठ बोलना पड़े तो श्रावक को बोल सकते हो। क्या तुम झूठ बोलते नहीं हो? तुम्हारी पुत्री ने कोई गलत काम किया है, तुम्हारे पुत्र ने कोई चोरी की है, गलत काम किया है, तो क्या करते हो? चौराहे पे जाकर के पोस्टर लगाते हो, कहते हो मेरी पुत्री ने ऐसा काम किया, मेरी पुत्री ने ऐसा काम किया, क्या पेपरों में छापते हो, क्या चैनल के माध्यम से प्रकट करते हो? नहीं करते ना। क्यों? ऐसे ही सत्यवादी हो तो फिर अपनी दोष, क्या तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं है? अपनी दोष को कहती हो कि मेरे अंदर ये दोष है, अपनी गलती क्यों छुपाते हो? अपनी पत्नी की गलती क्यों छुपाते हो? जिसे अपना मानते हो उसकी गलती क्यों छुपाते हो? अपने पुत्र पुत्री या कोई भी आपका सगा संबंधी, ये मित्रता आपकी उसके प्रति, उसके दोष क्यों छुपाते हो? इतने ही बड़े सत्यवादी हो, अपने दोषों को कहो मैं दोषी क्यों? अच्छा, रविशरण स्वामी कह रही हैं, सत्य रूप देखे हुए दोषों को भी जो स्वयं नहीं कहता है, कौन नहीं कहता है? जिसने जिन मत का आश्रय लिया है और दूसरा कोई कही तो उसका निवारण करता है। और यदि कोई व्यक्ति दोष, झूठा दोष लगा रहा है, तो झूठा दोष लगा रहा है, चाहे पत्रिका के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, चाहे चैनल के माध्यम से जो कह रहा है, परोस रहा है दूसरों को, वह मिथ्या परोस रहा है, दूसरों की श्रद्धा को तोड़ रहा है। शब्द वचन का सेवन करने वाला उतना बड़ा महापापी नहीं जितना महापापी दूसरों की श्रद्धा तोड़ने वाला है। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, अज्ञानात् मत्सराद्वापि दोषम विततमेवतु प्रकाशयन् जनोत्यंत
जिना जिन मार्गात बहिर्स्थित 235 पद्म पुराण पर्व नंबर 106। आचार्य महोदय कह रही जो अज्ञानता पूर्वक माशर भाव से दोषम विथत मेव तो मिथ्या दोष भी लगाता है, मिथ्या दोष दिखाई देती है उसे, उसके चश्मे में दोषों की अच्छाई दिखती ही नहीं, सबकी बुराई बुराई दिखती है, ऐसे व्यक्ति को अपने नाम के साथ जैन नहीं लगाना चाहिए। वह जैन मत से बाहर है, जिन शासन का विध्वंसक है, विद्वेषी है, वह जिन शासन को नष्ट करने वाला है, ऐसा आचार्य रविशरण स्वामी जी ने कहा। आचार्य रविशरण स्वामी के अतिरिक्त अन्य भी श्लोक प्राप्त होते हैं। यदि अपने गुरु की निंदा हो रही है तो क्या करो, कान बंद कर लो। कोई तुम्हारे गुरु की निंदा कर रहा है, दिगंबर साधु निंदा कर रहा है, और तुम सुन रही हो आनंद के साथ, ताली बजा रही हो, हंस रही हो, ठाका मार रही हो, और हामी हाँ मिला रही हो, पुण्य कमा रही हो, पाप का बंद कर रही हो। श्रीकंठ राजा ने मुनि महाराज को देकर के कुष्ठ रोगी कह दिया, 700 सैनिकों ने ताली बजाई, श्रीकंठ राजा श्रीपाल बनकर के कुष्ठ रोगी हुआ और 700 सैनिक भी कुष्ठ रोगी हुए। किसी पुण्य की अच्छे कार्य की अनुबोधना करो, पाप की अनुबोधना मत करो। बुद्धि आदि कास्तु यच्छात्रो गुरुम पशे दबग्या स प्रीत्य नरकम याति वाचतामिय भूतले। क्या अर्थ है इसका? बुद्धि आदि कास्तु, जो बुद्धि आदि की विशेषता से युक्त होकर के जो छात्र विद्यार्थी शिष्य छात्र गुरु गुरुम पश्ये दवज्ञा, यदि गुरु को अभिनय के साथ देखता है, कहा कुछ नहीं, सरीश्य अभिनय नहीं की, केवल दृष्टि में गुरु के प्रति अभिनय का भाव आ गया। क्यों? शिष्य के पास ज्ञान अधिक हो गया, शास्त्र ज्यादा पढ़ लिए, उम्र में बड़ा है, बुद्धि आदि की प्रगाढ़ता है, तो गुरु के प्रति अवज्ञा का दृष्टि में भाव आ गया। दृष्टि में भाव आने मात्र से, अभिनय का भाव आने मात्र से उसके बारे में कहा, गुरु पर से दवज्ञा सा प्रेत नरकम व्याति, वे प्रेत है, इंसानी बचा, राक्षस है, दानव है, नरकम याति, वह नरक को जाता है। वह गुरु के प्रति अवज्ञा का अभिनय का भाव भी रखता है, शब्द कुछ नहीं कहा, शरीर से कुछ चेष्टा नहीं की, केवल दृष्टि में अवज्ञा का भाव आ गया, सा नरकम याति, वह नरक में जाता है। और कह रही बाचता में भूतले, और शिष्य की इस लोक में निंदा होती है, इसलिए उसे इस प्रकार कभी भी धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति, प्रभु परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, जिन वाणी के प्रति, कभी ऐसी अवज्ञा का अभिनय का भाव भी मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अवज्ञा का भाव कषाय के बिना संभव नहीं है। और कषाय की तीव्रता में यदि ऐसे भावों के साथ किसी आयु का बंद होगा तो कोई अच्छी आयु का बंद होगा, नरक आयु का बंद होगा। इस बात को और भी कह रही हैं, गुरुर्वा स्वामिनो वापि कृताम निंदा परेण तु ये शृणोति न कुप्ये च सा पुमान नरकम रजित। गुरुर्वापि स्वामिनो वापि, अपने गुरु की व अपने स्वामी की कृताम निंदा परेण तु, दूसरे के द्वारा की गई निंदा को, अपने स्वामी की या अपने गुरु की निंदा को स्वयं नहीं कर रहा पर दूसरा कर रहा है, दूसरे के द्वारा की गई निंदा को श्रणोति, जो सुनता है, न कुपित, उसे सुनकर के उसका खून नहीं खोलता, कुपित नहीं होता है, बड़े प्यार से सुन रहा, उसने कहा मैंने सुन लिया, और आकर के कहता आपकी वो निंदा कर रहा था और आपने मैंने सुन लिया, मैं क्या कहता। तो जो सुनता भी है उसे क्रोध नहीं आता, अपने गुरु की मुनि महाराज की जिन शासन की निंदा सुन लेता है उसके लिए भी कहा
सपमान नरकम रजित, वह मनुष्य भी नरकति को प्राप्त होता है। इसलिए महानुभाव यहाँ पर उपगुण अंग के संबंध में आचार्य भगवान समत्व स्वामी कह रही है। क्या कह रही है आचार्य भगवान समत्व स्वामी कि स्वयं शुद्ध से मार्ग से ये मार्ग तो जिनेन्द्र भगवंतों द्वारा प्रणीत अपने आप में शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा, किंतु फिर भी इस मार्ग में चलने वाले किसी बाल मुनि के माध्यम से, किसी वृद्ध मुनि के माध्यम से, किसी प्रौढ़ मुनि के माध्यम से, किसी रोगी मुनि के माध्यम से, किसी उपसर्ग भोगी मुनि के माध्यम से, किसी परिचय को जीतने वाले मुनि के माध्यम से, त्यागी वती के माध्यम से, अलगदी छुलगी आरिका के माध्यम से यदि कहीं निंदा हो रही है तो क्या करना, वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ती, उस निंदा का प्रमार्जन करो। ऐसा नहीं हाथ पकड़ के ले जाओ, देखो ये क्या कर रहा है साधु, देखो ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा। उसके मन में तो निस्संदेह जिन शासन के प्रति बैर भरा हुआ है, उस साधु के प्रति बैर की भावना है, द्वेष की भावना है, अपने आप को कितना महान समझता है, बुराई कर रहा है और अपने आप में बहुत आनंदित हो रहा है। देखो ऐसे होते हैं साधु, देखो ऐसे होते हैं, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। धिक्कार ऐसे व्यक्ति के लिए जैसे किसी साधु में अच्छाई दिखाई नहीं देती, सिर्फ बुराई दिखाई देती है। इसका आशय दोष उसका नहीं, या तो उसने कोई खोटी आयु का बंद कर लिया है, या उसने पाप प्रकृतियों का, वह अन्य प्रकृतियों का बंद कर रहा है, इसलिए उसका परिणाम अच्छाई देखने का होता ही नहीं। महानुभाव, दोषों की अच्छाई देखने से, अच्छाइयों की गुणों की चर्चा करने से, चिंतन करने से निस्संदेह अपने अंदर गुणों का विकास होता है, और बुराई देखने से बुराई का विकास होता है। आपको ज्ञात होगा जो सुदर्शन और सुदर्शना, सुदर्शन और सुदर्शना दोनों बहन भाई थे, और दोनों बहन भाई एक बार आपस में चर्चा कर रहे थे, एक दूसरे को समझा रहे थे, जो भी वार्तालाप कर रहे थे, कक्ष में दोनों ही अकेले थे, और उस कक्ष में दोनों ही थे, तीसरा नहीं था, मुनि और आरिका। वेगवती नाम की श्राविका ने जब देखा बाहर से खिड़की से दूर से, वह स्वाध्याय प्रेमी थी, वह महिलाओं की एक हेड थी, नायिका थी, उसे देख करके ही उसने बड़ी ही उत्साह के साथ अहंकार में आकर के, अरे इनसे अच्छे तो हम हैं, निंदा कर दी। मैंने स्वयं देखा एक मुनि आरिका को कमरे में बंदे देखा, और निंदा करने का परिणाम क्या हुआ आप सबको ज्ञात है। वह सुदर्शन सुदर्शना दोनों भाई बहन थे, मुनि आरिका थे। वेगवती उस समय निंदा करके अहंकार माँ के ज्ञान का अजीर्ण हो गया, अहंकार माँ की निंदा की पूरे नगर में, बाद में प्राशित भी लिया, पश्चाताप भी किया, उसके बावजूद भी वह वेगवती आगे अनेक भवों में कष्ट दुख उठाती हुई जब सीता की पर्याय में आई तो उसके शील में भी दोष लगाया गया, उसके पति के द्वारा उसे भी जंगल में छुड़वाया गया। इतना ही नहीं, उसे अपनी शील की निर्दोषता प्रकट करने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। इसलिए महानुभाव, स्वप्न में भी कभी किसी पर दोष मत लगाओ। आचार्य महोदय कहते हैं कि सभी के गुणों को देखो, अवगुण किसी के मत देखो, दोषों का प्रमार्जन करो, यही सम्यक दृष्टि का उपगुण अंग है। अभी इतना ही पर्याप्त है, शेष आगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार मुंबई महाराष्ट्र।